हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस विल डूइंग ग्रेट। और आज का सीन है, हम लोग बोध का जाने का सोचते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी धूप बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं। वैसे आज भी हम लोग तीन लोडिंग ही जाएंगे। निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग जा रहे थे अभी बोध गया, और अचानक हमको एक ये वाला लोकेशन दी गया, ये पेड़ वाला, तो यहाँ पर हम लोग फोटो खिंचा लेते हैं। बहुत टाइम से मेरे को मिल नहीं रहा था इतना सारा ये वाला घास, तो आ जाते हैं। देख रहे हैं इधर, जबरदस्त। इसको देखिए, इसको इधर दिखाइए। पूरा पूरा आर्मी का ऑफिसर है यार, बाप रे बाप। सूर्यादा सोल्जर वाला एक बार गाना वाना में नाच दीजिए, समझे? अरे बाप रे, हार्ड हो गया भाई। ये रहा गाइस आईफोन 14 प्रो मैक्स का कमाल। यहाँ हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं बोध गया की तरफ। वहाँ भी कुछ कुछ आज ना भीड़ बहुत है, इतना क्लीन फोटो तो यहीं आ सकता था। पब्लिक बहुत सारे रहेंगे, वीडियो बनाते हुए कुछ लोग देखेंगे भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मामू तो भी पकड़ सकता है, मत बनाओ वीडियो। ये इतना मस्त जगह था ना, पूरा एकदम दूर दूर तक खाली घास दिख रहा है। प्यास बहुत लग गया था, तो हम लोग थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा लेस खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। गाइस, गाड़ी तो हम लोग यहाँ पार्क कर दिए हैं, अब हम लोग चलते हैं अंदर। मेन मंदिर है, सामने से इसका एंट्री है, तो हम लोग एंट्री तो किए नहीं, बस ऐसे ही बाहर बाहर ही घूम के हम लोग जाते हैं। हाँ, वो रहा उधर, तो उसके लिए आगे से आना पड़ता है ना एंट्री करके। हम लोग यहाँ से बस ऐसे ही टहल वहल के अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग जाएंगे व्हाइट वाला जो स्टैचू है, तो हम लोग फिर से गाड़ी पार्क कर लिए हैं। और यहाँ एक और मंदिर है, हम लोग उसको भी घूम लेते हैं। इसका नाम है चाइनीज़ टेम्पल, समझे? चाइनीज़ टेम्पल है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी होता है कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। महाबोधि चाइनीज़ टेम्पल सोना वोना का है यार, सोना का रहता है ना। फल इतना क्या रखा हुआ, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, केला ले ले जाके। क्या है चाची? एक तो तुम ले लो। क्या है? बस इसको तुम पानी में डालना, डाल के फिर अपने पास उसको रखना। है क्या ये? अभी टाइप का है क्या? ये है मोती, 108 है, 100 वाला नहीं है, 100 वाला नहीं है, 100। ये ओरिजिनल चंदन का बना हुआ है, ओरिजिनल है चाची। पानी में भिगाएंगे तो और महंगा है। पानी में जितना डाल के रखें, अगर रात भर अगर हम उसको बोतल में या किसी चीज़ में डाल के अगर छोड़ देते हैं और सुबह निकाल करके अगर देखते हैं, ये पूरा का पूरा तुम्हारा रूम में पूरा दम दम महकेगा। अगर एसी चलते रहेगा, अगर एसी का अगर उसके वहाँ पर अगर लगा दोगे, पूरा रूम तुम्हारा चंदन चंदन महकेगा। कितना देना पड़ेगा एक चीज़ का? हम तो बोल देंगे बाद 200 में देंगे, बाकी 150। बहुत महंगा देंगे, कितना देंगे तू ही बताओ। 100 रुपया 100 देंगे और क्या, 130 100 देंगे। अच्छा ले लो, जाओ हम कौन सा लेने, ये और ये दोनों में डिसाइड कर लो कौन सा लेना। इसमें थोड़ा सेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें अलग से सेंट नहीं ना डाली है? अरे अलग से रखा, हमारी सब दिन का दुकान है, एक दिन का नहीं ना। अगर बाय द वे अगर इसमें सेंट अगर खत्म हो गया, हम आपके पास आ जाएंगे। कहे ना बाप, गलत नहीं हम, है। हम गया ही में रहते हैं चाची। अरे बाबू ना, हम कहाँ का रहे। हम लोग आ गए हैं गौतम बुद्ध वाला जो स्टैचू है वहाँ पे। यहाँ एक दो फोटो अच्छा सा आ जाए तो सही रहेगा क्या? ये रहे गाइस हमारे भैया, इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए धूप में फोटो खींच रहे, पूरा पैर जल रहा है हम लोग का, लेकिन हम लोग हैं मुसाफिर, हम लोग को करना पड़ता है। ये देखिए कैमरा लेके कैसे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 10 उधर है, मतलब टोटल 10 है। इन लोग जो 10 लोग जो है, ये इन लोग शिष्य है, ये इसका मेन गुरु था। इसके अंडर में रह करके इन लोग पूरा ज्ञान प्राप्त ये सब करता था,
पूरा ए टू जेड। और इन लोग का ये रियल फेस है, सब रियल है ना, सब रियल फेस है, मतलब कि जब इन लोग ह्यूमन मैन जब इन लोग जिंदा था तो इन लोग का फेस एकदम सेम ऐसी था। और यहाँ क्या बनाने वाला जो है लोग वो एकदम हूबहू सेम फेस उतार दिया। ये कोई एक ब्रदर्स थे जो बनाए हैं, उनका पीछे इनका नाम मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो पीछे जाकर। हाँ पीछे नाम लिखा है, नाम लिखा हुआ जो बना है इन लोग। और इसका एक और मंदिर बना है सेम हूबहू नवादा रोड के तरफ, इससे अच्छा। भी बड़ा है वो। हाँ कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे हम लोग देखने, इससे भी बड़ा है। अब क्या संडे तो दुबई का फ्लाइट है। बहुत छोटा सा लिखा है गाइस, हो सकता है दिखे ना दिखे, बट वहाँ देखो लिखा हुआ ठाकुर एंड सन्स चुनार 1986 से 89 वहाँ पे भी लिखा है। वही जो दो ब्रदर्स थे वही लोग ने ना पूरा डिजाइनिंग किया है। इसको लगा था 86, 87, 89, तीन साल लगा था इसको पूरा बनाने में। तो गाइज यहाँ तो हम लोग घूम लिए, हम लोग जा रहे हैं मेन एक वाइट कलर वाला जो है ना स्टैचू, वहाँ पे चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और वहाँ चलते हैं। सो खाने का टाइम हो गया था तो हम लोग मतलब वहाँ से घूम के आ गए थे स्टैचू से, क्या लक्का वाला, तो हम लोग यहाँ से दूसरा स्टैचू जाएंगे तो फिर वहीं से हम लोग को गया निकलना है। तो यहाँ हम लोग पहले खा लेते हैं ताकि हम लोग सीधा गया निकल जाए, क्योंकि 2 घंटे में ट्रेन है, 2 या 2.5 घंटे में ट्रेन भी है, तो उसको भी पकड़ना है, छोड़ना नहीं, एक ही ट्रेन है उसके लिए। चलो मौसम भी कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल कर रहा है। चैनल का मालिक है उसी को छोड़ दिया। आइए चलो। ये क्या चीज से बना हुआ है? सीमेंटेड है। डिजाइन अच्छा लग रहा है, डिजाइन बहुत जबरदस्त है। स्टार्टिंग में जब बना था तो बहुत प्यारा अच्छा लगता था, अब ये है बिहार में बना हुआ तो यहाँ पे इतना ध्यान तो कोई देता नहीं है, बस बन गया तो बन गया। धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, हम लोग का तो हालत धूप से ही ख़राब हो रहा है, और हम लोग थोड़ा लेट तक रुक भी नहीं सकते क्योंकि ट्रेन भी है हम लोग का, वो भी एक दिक्कत है। अरे वहाँ भी तो भीड़ ही लगा हुआ है, खाली उसके पास तुमको लाइट के पास थोड़ा सा सटना पड़ेगा, उसके बाद आ सकते हैं। पेपर कटिंग है, मतलब जैसे दो रास्ता है तो एयरपोर्ट वाला रास्ता में पुलिस रहेगा ना, और अभी जिस साइड से उस साइड से पुलिस नहीं रहेगा। कहाँ हुआ, जाइए देखिए, मगर है तो ले आइए, नहीं हो रहा है इससे। तो गाइस हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे और वो तो अच्छा है, अल्लाह का करम है कि गाड़ी थोड़ा धीरे था, कट 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 हुआ, हमको लगा कि चेन टूट के गिर गया, लेकिन फिर देखे नहीं, चेन खुला हुआ था। अगर स्पीड में होता तो हम लोग तीनों गिर गए होते, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलो अब जल्दी से इसको बनवा के निकलते हैं, ऑलरेडी एक घंटा मेरे पास है बस ट्रेन। अरे भाई तुम जल्दी बनाओ यार, तुम इधर मत देखो, हम लोग पागल है, बहुत लकली बच्चे इसको हम लोग घर जाना था। अरे एक खटारा गाड़ी इनका, इनको मेरा टिकट हो चुका था, एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं चैन कैसे निकल ना, हम दिल्ली ना ये दुबई, इनको तो यही रहना है, इनको दिक्कत आ रही, बिस्तर में पड़ जाते हैं, हम लोग का दिक्कत हो जाता। चलो कोई नहीं, जल्दी यार करो यार, लेट हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो यार। तो गाइस पीछे चेकिंग चल रहा है, तो हम भैया लोग को उतार के हेलमेट पहन लिए थे, वो लोग आ रहे हैं पीछे से, अब बस जल्दी से आधा घंटा रह गया, जल्दी से रेलवे स्टेशन चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, घर भी निकलना है, लेट हो गए हैं, आधा घंटा ही है, जल्दी जल्दी वो लोग आ जाए। देखो उतर के पैदल आ रहे हैं पीछे से, चेकिंग तो क्या करें, हेलमेट पहन के हम गाड़ी लेके आ गए, वो लोग पीछे जा रहे हैं। अपना निकलने का टाइम हो गया है, 2 दिन कैसे पार हुआ पता भी नहीं चला, कहाँ थे कहाँ हैं, चट से बांजी माउंटेन, चट से बोर्ड गया, चट से गया, चट से कोडरमा, पता ही नहीं चलता है कब हम लोग कहाँ रहते हैं, फट से गाड़ी खराब हुआ, चट से चेंज हो गया, चट तुरंत आ गया। गया में तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, भैया 1.5 साल बाद आए थे तो 1.5 साल बाद मिले हम लोग, अब वो फिर चल जाएंगे संडे को, तो फिर अब 1.5 साल नहीं आएंगे दुबई से, तो मिलना भी बहुत ज़रूरी था, और कोइंसिडेंटली हम भी इसी टाइम पे घर आए थे जिस टाइम पे भैया आए थे दुबई से, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा 2 दिन वहाँ, अब देखते हैं जब मिल पाए भैया से, बाकी लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। सो दैट वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ इंजॉय फॉर से रीजन लाइक कर देना, आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। घर फाइनली पहुँच गए, बारिश हो रहा है, रात का टाइम हो गया है, खाना खा लिए हैं, सो या गुड नाइट, सी या, पीस आउट। We'll be right back.